नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कासगंज के थाना साहबर में भव्य आगंतुक कक्ष का नगर पंचायत अध्यक्ष जाहिदा सुल्तान ने फीता काटकर उद्घाटन किया। तो बता दें कि यह कक्ष फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए बनाया गया है, जो नगर पंचायत द्वारा बनवाया गया है। इस मौके पर एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश का ये पहला आगंतुक कक्ष है जो शानदार और भव्य है। इस दिन यहाँ पे उद्घाटन के लिए हम आए थे, महिला सशक्तिकरण के लिए। उस दिन हम SHO साहब मीना जी ने हम ये जगह दिखा के हमसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे उन्होंने अपना एक विजन बताया कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस तरह से एक अच्छा कक्ष बनाया जाए जो लोगों के बैठने के लिए विंटर्स में और समर्स में दोनों ही में बैठा जाए, क्योंकि अभी थाने में इतना डेवलपमेंट नहीं है और कोई ऐसा कक्ष नहीं है जहाँ पे लोग आके बैठें और अपनी बात रखें और वो चारों तरफ देख पाएँ बैठने के बाद। तो उन्होंने मेरे सहयोग के लिए कहा, तो मुझे उनका विजन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे लगा कि ये बहुत बेहतर बात है और मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए करना चाहिए, तो मैंने उन्हें सपोर्ट किया। और तो ये कक्ष उन्होंने बन के तैयार करवाया है और मुझे आज मैंने देखा इसे, ये बहुत ही बेहतर पहल है उनकी और ये बहुत ही उमदा बना है। देखिए, हम अपने पुलिस विभाग की तरफ से चेयरमैन साहिबा को आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा हमारे कष्टों को अनुभव किया गया और उस कष्ट के अनुभव में हमारे प्रभारी निरीक्षक की पहल पर ये बहुत ही सुंदर विश्राम कक्ष, या आप उसको कार्यालय बोल सकते हैं, का निर्माण कराया गया। और ये इस प्रकार का विश्राम कक्ष या कार्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी थाने पर नहीं बना होगा। इसके लिए मैं चेयरमैन साहिबा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक प्रदेश स्तर पर इतना अच्छा कार्य किया है और मैं अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में भी वो हमारे कष्टों को समझते हुए और कहीं जो भी आवश्यकता होगी उसमें हम लोगों को सहयोग करेंगी। उन्नाव के बांगरमऊ में कोतवाली से सटे घर में चोरों ने वारदात को अंजाम देकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। तो बता दें कि घर के लोग जब नए साल की पार्टी मनाने के जश्न में रिश्तेदारों के गए थे, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहाँ से लाखों के जेवर के साथ नकदी को अपना निशाना बनाया, तो घर में इतनी बड़ी तादाद में नकदी और जेवर में चोरी होने से सभी लोग सदमे में है। तो पुलिस ने मौका मुआयना कर शिक्षक के घर में चोरी के जल्द खुलासे की बात को कहा है। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली परिसर में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ नव निर्मित कक्ष में फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने सहभागिता करते हुए फीता काटा, तो इस दौरान प्रभारी शैलेंद्र सिंह के साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस डेस्क के माध्यम से यहाँ पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा, तो साथ ही उनका समाधान भी निकाला जाएगा। आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे थाना मऊरानीपुर में महिला हेल्प डेस्क के लिए एक यहाँ पे अलग रूम की पूरा का पूरा नया बनाया गया है, जिसमें सभी जो भी महिला संबंधी शिकायतें हैं उसको यहाँ पे बैठ करके जो हमारी महिला हेल्प डेस्क के रिगार्डिंग में सारी जो सुविधाएं शासन के द्वारा जो अनुमन्य की गई हैं वो सारी सुविधाएं देने का यहाँ पे पूरा का पूरी कोशिश की जा रही है, जिसमें सभी प्रकार की जो शिकायतें हैं जो महिला संबंधी हैं या महिला से रिगार्डिंग में जो भी हैं उनको यहाँ पे महिला जो कार्मिक हैं वो यहाँ पे बैठ कर सुनेंगी। और बाकी जितने भी जो भी प्रबंध यहाँ पे चीज़ें हैं, पानी का प्रबंध है, बाकी उनका जो भी सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं का प्रबंध है वो यहाँ पे किया जा रहा है। AC नुमा ये पूरा का पूरा कमरा रहेगा और ये सारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो आज यहाँ पे सुचारू रूप से रेखा जी द्वारा और सरोज जी जी द्वारा यहाँ पे आज इसका उद्घाटन किया गया यहाँ पे। और ये जो व्यवस्था है इसको हम और पूरा आपका पूरा और आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ में आज यहाँ पे मऊरानीपुर में इस महिला हेल्प डेस्क का एक ट्विटर हैंडल भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो यहाँ पे हमारे सेवारत हमारी महिला का कार्मिक है उनके द्वारा ये बनाया जा रहा है और उसका जो है ये पहला ट्विटर हैंडल होगा जो महिला हेल्प डेस्क का पूरे झांसी में आज बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा जो भी अगर कोई ऐसी समस्या है तो उस ट्विटर हैंडल के माध्यम से महिलाएं या जो बालिकाएं हैं कोई भी जो समस्या है उसके माध्यम से अवगत करा सकेंगी, जिससे उनको घर बैठे ही शिकायत दर्ज कराने का पूरा एक आसान सा तरीका उनको उपलब्ध हो जाएगा। सर, महिलाओं के लिए कोई स्पेशल नंबर दिया गया यहाँ पे संपर्क के लिए? हमारा यहाँ पे जो थाने का नंबर है वही हमारा सेम नंबर है, एक नंबर अभी हम आगे आने वाले दिन में यहाँ का भी जारी कर देंगे ताकि वो आप लोगों के माध्यम से वो उस नंबर का प्रचार प्रसार करके जो भी उसमें शिकायतें हैं वो अपना व्हाट्सएप
के ग्रुप के ऊपर और उस ट्विटर हैंडल के ऊपर दर्ज करा सकते हैं। गोरखपुर के सजनमा में गैलेंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सड़क को तोड़कर अपने फैक्ट्री में मिला लिया गया, तो साथ ही इसकी जगह पर नए सड़क के निर्माण को किया जा रहा था, जिसमें अब किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बता दें कि फैक्ट्री के बगल से एक रास्ता जा रहा था जो काफी सालों पुराना PWD द्वारा बनाया गया था। सरिया फैक्ट्री द्वारा इस सड़क को कब्जा कर सड़क का निर्माण अब दूसरी जगह किया जा रहा है, जो ग्रामीणों को मंजूर नहीं है। ग्रामीणों के साथ सपा नेता मनोज यादव ने यह विरोध करते हुए कहा कि सड़क को कब्जा मुक्त किया जाना चाहिए। बता दें कि जो पहले सड़क थी वो 12 मीटर चौड़ी थी और अब जो सड़क बन रही है वो 6 मीटर चौड़ी है, तो साथ ही सरकारी जगह को भी फैक्ट्री द्वारा कब्जा कर लिया गया है। ये जो सड़क दे रहे हैं गैलेंट वाले, ये हम लोगों का नाला था पहले से, चूंकि उसको पाट करके रोड दे रहे हैं, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। और हमारा रोड जो है PWD का वो अंडर कर ले रहे हैं 12 मीटर का चूंकि है। मतलब नया रास्ता आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए नया रास्ता, हमको नहीं चाहिए। इसको लेकर के करते हैं, इसको लेकर के कहीं आप मिले किसी उच्च अधिकारी से? नहीं, विधायक जी से मिले थे, विधायक जी से कहे थे, क्षेत्रीय विधायक जी से। हाँ, फिर हम SDM साहब को भी कहे थे कि हम इसका विरोध करते हैं, हमारा रास्ता सीधा है सर, हमारा सीधा रहे। हमारा जो सैकड़ों वर्ष से पुराना रास्ता चला आ रहा है, जो हमारे बाप दादे चले आ रहे हैं, और उसको और हमारे नाले को ग्लैंड फैक्ट्री द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, उसके बारे में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको पुराना नाला चाहिए और पुराना रास्ता चाहिए, इसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। ग्लैंड फैक्ट्री जो जमीन ली है उस पर निर्माण करे, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे नाले को और हमारे पुरानी सड़क को डिस्टर्ब किया गया तो हम क्षेत्रवासी इसके लिए अपना जान तक समर्पण करने के लिए तैयार है। रोड चली आ रही है, जिससे एक नहीं, ये 4 लेन से जुड़ करके घक्सरा तक जुड़ती है, और घक्सरा से जा करके ये संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर जिले को जोड़ते हुए नेपाल तक जाती है। और ये जो नाला, इससे सैकड़ों गांव का पानी इस रास्ते बहता है, इसमें हजारों हजारों की संख्या में रोज ग्रामीण जाते हैं। तमाम अगल बगल स्कूल कॉलेज हैं, गर्ल्स कॉलेज ही बगल में है जहां साइकिल से बच्चियां जाती हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि हम आपको अलग से रोड देंगे, जबकि टोटल ग्रामीण इस रास्ते से आने जाने वाले राहगीर यही चाहते हैं कि जो हमारा PWD के द्वारा बनाया गया रास्ता है वो मेरा बरकरार रहे, और जो रेलवे का नाला है जिससे पानी हम सैकड़ों गांव का निकलता वो बरकरार रहे। ये जबरदस्ती गुंडई पे आमदा है, कल ये 100-150 आदमियों को लेकर के जबरदस्ती गुंडई से राइफल बंदूक लेकर के जबरदस्ती बाउंड्री चलाना चाहते थे। ग्रामीण यहाँ अंचल के अगल बगल के लोग यहाँ करीब 10 बजे रात तक थे जो लोग बता रहे हैं, उसके बाद 12-1 बजे से फिर ये पैसे के बल पर कुछ बाउंड्री चलाए हैं, जबकि प्रशासन को ये अवगत करा दिया गया है, तहसीलदार महोदय को अवगत करा दिया गया है, पूरा प्रशासन जानता है इस चीज को कि ग्रामीण और राहगीर अपना रास्ता और अपना नाला चाहते हैं। अगर ये गीडा से जमीन खरीदे या किसी काश्तकार से खरीदे हैं तो ये अपने जमीन पर कोई निर्माण करें, लेकिन रास्ता और नाला न कब्जा करें। और अगर ये नाला रास्ता कब्जा करते हैं तो हम ग्रामीण कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन और शासन से मांग करते हैं, और हम लोग मर मिटेंगे लेकिन ये नाला और ये रोड नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।